इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वेरिएबल्स का। किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को, पूरा खेल इन्हीं का ही है। तो वेरिएबल्स को अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँ, तो जैसे किचन होती है हमारी किचन, तो उसमें डब्बे होते हैं, है ना। डब्बों के अंदर चीनी किसी के अंदर, गुड़ किसी के अंदर, दाल किसी के अंदर, चाय की पत्ती किसी के अंदर, कुछ किसी के अंदर कुछ। तो अगर आपको पता नहीं, आप पहली बार अंदर जा रहे हो, है ना, किचन में आप पहली बार अंदर जा रहे हो, आपको पता नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो कलर्स होते हैं, है ना। डब्बों में कुछ ना कुछ तो कलर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपकी मम्मी आपको ऐसे तरीके से बताएगी, जो पीले कलर का डब्बा है उसके अंदर है गुड़, ठीक है। अगर आपको गुड़ चाहिए तो पीले कलर के डब्बे को पकड़, खोल और उसमें से गुड़ निकाल ले, ठीक है। चीनी जो है वो है नीले कलर के डब्बे के अंदर। तो आपकी मम्मी आपको इस तरीके से बताएगी, जो नीले कलर का डब्बा है उसके अंदर चीनी है, उसमें से चीनी ले ले, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स भी कंटेनर्स होते हैं जो हमारी वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। जो पीले कलर का डिब्बा है वो मेरा वेरिएबल है, और जो उसके अंदर गुड़ है वो मेरी वैल्यू है। तो जो पीले कलर का डिब्बा है वो मेरी वैल्यू को होल्ड कर रहा है, नीले कलर का डिब्बा है उसके अंदर है चीनी, तो वो मेरी वैल्यू को होल्ड कर रहा है चीनी को, ठीक है। तो इस तरीके से जो पीले कलर का डिब्बा है वो मेरा वेरिएबल है, जो उसके अंदर गुड़ है वो मेरी वैल्यू है। जो नीले कलर का डिब्बा है उस वो क्या है, मेरी एक मेरा वेरिएबल है, और जो उसके अंदर चीनी है वो मेरी क्या है, वैल्यू। तो इसी तरीके से वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स भी कंटिन्यूस होते हैं जो करते हैं, होल्ड करते हैं वैल्यूज को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरिएबल्स वेरिएबल्स आर कंटेनर्स, कंटेनर्स वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। दूसरा दूसरे तरीके से कहना चाहूँ, एक वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल इज, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन प्रोग्राम, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोग्राम। वैल्यू जो हम स्टोर करते हैं इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, वैल्यू वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो भी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, जैसे मैं इसके अंदर 5 कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, तो इसको मैं प्रोग्राम में बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। तो ए जो मेरा यहाँ पे एक कंटेनर है उसके अंदर जो मेरी ये 4 है वैल्यू, जो ए है वो इसको 4 को होल्ड कर रहा है, ठीक है। ए के अंदर मेरी 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू। अगर मेरे को कहीं पे भी 4 को यूज़ करना है तो मैं वहाँ पे ए को यूज़ करूँगा, ठीक है। जो ये अगर आपको इस तरीके से समझाऊं, तो ये जो वेरिएबल है एक मेमोरी लोकेशन को ही नाम दिया जाता है। ये ए जो है एक मेमोरी लोकेशन का नाम दे दिया, उस मेमोरी लोकेशन पे ये 4 स्टोर है। तो मैं वहाँ पे 4 को डायरेक्टली यूज़ ना करके, अगर मेरे को कहीं भी प्रोग्राम में 4 को यूज़ करना है तो मैं डायरेक्टली 4 को यूज़ नहीं करूँगा, मैं ए को यूज़ करूँगा। ए के अंदर मेरा 4 स्टोर है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकता हूँ, वेरिएबल इज़ अ Only a name given to a memory location. All the operations done on the variable affects that memory location. ठीक है, तो जो भी मैं इस variable पे operation perform करूँगा वो उस memory location को affect करेंगे जिस पे ये variable store है, जिस पे ये value store है, जिस memory location पे ये value store है। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a variable is only the name
given to the is only the name given to a memory. Location is given to a memory location. All the operations done on the variable affects that memory location. तो ये था, मैंने आपको वेरिएबल वेरिएबल के बारे में बताया. वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज. वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोग्राम. वैल्यू जो स्टोर होगी इन वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान भी इस वैल्यू को चेंज कर सकती हो. तो जो रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए वो क्या होते हैं? रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन पाइथन में आप किस तरीके से वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, रूल्स. मैंने आपको आइडेंटिफायर्स के अंदर भी रूल्स बताए थे, सेम वो यहां पे अप्लाई होंगे. अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर कैरेक्टर. एक लेटर से आप क्या समझते हो? अपर केस ए टू जेड, लोअर केस ए टू जेड और अंडरस्कोर. लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए. आ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर विद अ लेटर और द अंडरस्कोर करेक्टर. जो आपका वेरिएबल है वो मस्ट स्टार्ट होना चाहिए लोअर केस या अपर केस लेटर्स से या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से. आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट with number. A variable name cannot start with number. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. ठीक है, ये हो गया. और वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. जैसे मैंने आपको आइडेंटिफायर्स में बताया था, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. फाइव, द रिजर्व वर्ड्स को कीवर्ड्स को कैन नॉट बी यूज्ड नेमिंग द वेरिएबल. रिजर्व वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते. कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम. कीवर्ड्स कैन नॉट बी Cannot be used as a variable name. ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए टू जेड, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड और स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. वेरिएबल या तो वेरिएबल होना चाहिए या तो वेरिएबल अंडरस्कोर आपका वेरिएबल का नाम है कोई, कुछ इस तरीके से आप फाइव दे दिए. आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर ए इस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ये भी सही है. अगर आप इस तरीके से डिफाइन करते हो, नंबर से स्टार्ट कर देते हो वेरिएबल को, तो ये गलत होगा. ठीक है, रॉन्ग, एरर आ जाएगा आपका, रॉन्ग. आप कभी भी नंबर से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते.
वेरियल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स एंड अंडरस्कोर करेक्टर्स, ठीक है। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, आप अंडरस्कोर भी ले सकते हो इसमें, आप यहाँ पे वन ले सकते हो, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो इक्वल्स टू फाइव, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। कीवर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप जैसे मैं एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं दे देता हूँ एक स्ट्रिंग जिसके अंदर मैंने पाइथन दिया, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नेम इस तरीके से करूँगा, ये एक डिफरेंट है, ठीक है, और मैं इसको इस तरीके से करूँगा नेम, ये भी डिफरेंट है और पूरा नेम डिफरेंट है, ठीक है, और नेम ए एम ई, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये तीनों चारों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इनमें से जब मैं प्रिंट करूँगा इसको तभी ये वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैंने इन और तीनों में से कोई भी यूज़ किया तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये वेरिएबल डिफरेंटली एड करेंगे। जो हमारा वेरिएबल नेम है, नेम वो स्मॉल में है ना, मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ इधर, मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे नेम और इसको रन करता हूँ तो पाइथन प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रन करूँगा एन ए एम ई, मैंने बिल्कुल पहला जो लेटर है उसको कैपिटल में कर दिया, बिल्कुल जो वेरिएबल नेम था उससे अलग डिफरेंट किया है ना, केस सेंसिटिव होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको रन करता हूँ, देखता हूँ आउटपुट क्या आता है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, जो हमारे ये नेम है ये डिफाइन ही नहीं किया हमने और इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं भी और चेंज कर देता हूँ, पूरा कैपिटल लेता हूँ एन ए एम ई, फिर देखते हैं, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपने जिस वेरिएबल में वैल्यू दी है आप सेम एज इट इज़ ही उसको प्रिंट कराएंगे, तभी जाके वो आपका प्रोग्राम रन होगा। तो ये हो गया वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स में आप किस तरीके से वैल्यूज़ डिफाइन करते हो, किस तरीके से वैल्यूज़ आप उसमें डालते हो, तो ये होगी स्ट्रिंग वैल्यू। अभी मैं कोई और वेरिएबल लेता हूँ सी इक्वल्स टू, आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हो, फ्लोट ले लिया आपने, ठीक है। आप इसके अंदर कोई और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो ए इक्वल्स टू, मैं इसके अंदर कोई इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराऊंगा एक करके, मैं प्रिंट कराता हूँ नेम को, ठीक है, नेम को प्रिंट कराया, प्रिंट कराता हूँ मैं इसको सी को, और इसको भी प्रिंट करा लेता हूँ मैं एक, ठीक है, रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो पाइथन 45 5, ठीक है, तीनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो मैंने प्रिंट कीवर्ड जो यूज़ होता है वो जिस भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको प्रिंट कराने के लिए, जो भी हमारा रिजल्ट है उसको प्रिंट कराने के लिए होता है आउटपुट स्क्रीन पर। तो प्रिंट क्या है, कीवर्ड है जो आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब एक ही, तो ये हो गया वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। आप नंबर्स यूज़ नहीं करते स्टार्टिंग में, आप नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, ठीक है। मैंने वन लगाया तो ये एरर देगा आपको, उसने एरर दे दिया, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में नंबर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर या लेटर से ही स्टार्ट होगा, ना नंबर से स्टार्ट होगा, कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। और स्पेशल सिंबल्स तो पूरे कीवर्ड आप पूरे वेरिएबल नेम में यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका वेरिएबल्स का। अब आता है, ठीक है, केस सेंसिटिव होते हैं, आपको जिस तरीके से आपने नेम डिफाइन किया उसी तरीके से आपको वो प्रिंट कराना, वहाँ पे यूज़ करना। तो आप सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक सिंगल वैल्यू को आप असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। आप एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही स्टेट में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो मेरे को ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, मेरे को बी में भी 10 ही चाहिए, मेरे को सी में भी 10 ही चाहिए, तो मैं एक ही लाइन में, ये मैंने तीन लाइन हो गई हैं, तो मैं एक ही लाइन में 10 को ए के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ, बी के अंदर भी, सी के अंदर भी, तो मैं तीनों के अंदर 10 स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मैं उसको किस तरीके से करूँगा, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10। अब मैं किसी को भी प्रिंट कराऊँगा, प्रिंट ए कराऊँगा तो भी 10 ही आएगा, क्योंकि अब मेरे तीनों वेरिएबल्स में 10 वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। बी को प्रिंट करा लूँगा, मैं प्रिंट सी को भी करा लेता हूँ,
कॉपी करके मैं आपको कंपाइलर पे दिखा देता हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर पे। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, डिलीट कंट्रोल प्लस बी। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, ए इजकल्स टू, बी इजकल्स टू, सी इजकल्स टू 10, और मैंने तीनों वेरिएबल्स में 10 स्टोर करा दिया। तो ठीक है, तो ये आपका 10 प्रिंट हो गया तीनों में, ये ए के लिए, बी के लिए और ये सी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए की वैल्यू। आप तीन वेरिएबल्स में एक ही स्टेटमेंट किस तरीके से डिफाइन करोगे। अभी ये हो गई आपकी ए की टाइप की, आपने वैल्यू असाइन की थी, है ना। आपने अभी क्या किया था, ए की टाइप की वैल्यू असाइन की थी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ डिफरेंट वैल्यूज उसके अंदर असाइन करना चाहता हूँ मैं, एक के अंदर इंटीजर, एक के अंदर फ्लोट, एक के अंदर, इस तरीके से मैं चाहता हूँ। ठीक है, असाइनिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही स्टेटमेंट। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में मैं डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ पे एक ए वेरिएबल लिया। ठीक है, ए के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ 1 स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, वी के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ 45, सी के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, एक स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ, दैट इज पाइथन। ठीक है, तो ये तीन लाइन्स हो गई। मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में मैं इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर ये डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर दूँ, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा। मैं लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा इक्वल्स टू। और अब आप जो ए में स्टोर करनी है, आपने पहले ए को मेंशन किया, तो पहले आप ए की वैल्यू मेंशन करोगे इधर ए कॉमा। आपको जो बी में वैल्यू मेंशन करनी है वो आप 45 करना चाहते हो, तो 45 कॉमा। और जो सी में मेंशन करना चाहते हो वो आप तीसरे नंबर पे आप उसको डिफाइन करोगे। मैंने क्या कर दिया, डॉन। अब आप इस तरीके से वैल्यू स्टोर करा सकते हो और प्रिंट करा सकते हो उनको, प्रिंट ए। इस तरीके से आप थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स में थ्री डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपकी तीनों वैल्यूज प्रिंट हो गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज एक ही स्टेटमेंट में इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आता है कैन वी यूज द सेम नेम फॉर डिफरेंट टाइप्स। क्या आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, आप सेम नेम यूज कर सकते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे ए इजकल्स टू 10 दे रहा हूँ, और मैं आगे चल के आगे प्रोग्राम में ए इजकल्स टू कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ, जैसे राम दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा। ये होगा जो आपने लेटेस्ट वैल्यू दी होगी, जैसे आपने प्रोग्राम में बाद में ये वैल्यू दी है तो प्रोग्राम इसी को कंसीडर करेगा। ठीक है, राम को। अगर मैं आगे चल के इज इक्वल्स टू कृष्ण दे देता हूँ, कृष्ण दे देता हूँ, तो आगे चल के ये ए में कृष्ण को कंसीडर करेगा, राम को कंसीडर नहीं करेगा। जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो उसी को कंसीडर करेगा। ठीक है, मैंने ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, एक प्रिंट कर देता हूँ एक। तो कृष्ण उसने लास्ट वाली जो है वैल्यू उसने कंसीडर करी। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक 10 है, ये पहले मैंने ए में 10 डिफाइन किया, फिर उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग ए में डिफाइन की है। तो अब देखते हैं, अब राम को कंसिडर करेगा, तो राम को कंसिडर किया उसने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए में इक्वल्स टू 11 दे देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ, तो वो 11 को कंसीडर करेगा। ठीक है, लेटेस्ट वैल्यू को कंसीडर करेगा हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया, सेम नेम आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको वो वैल्यू कंसीडर करानी है तो आप डिफरेंट वेरिएबल नेम आप यूज़ करोगे। हाउ डज प्लस ऑपरेटर वर्क विद वेरिएबल्स। तो प्लस ऑपरेटर वेरिएबल्स के साथ किस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ ए इक्वल्स टू, दे रखा है मैंने एक में कृष्ण, एक में राम। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करेगा। ये मेरा एक ए में मैंने राम दिया, बी में मैंने कृष्ण दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए प्लस बी। इसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है देखते हैं। तो प्लस ऑपरेटर पाइथन में किस तरीके से वर्क करता है। मेन डॉट पाई में जाऊँगा,
जो भी है उसको हटाऊंगा, ठीक है। मेरा प्रोग्राम है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, रन करता हूँ। तो उसने इसको कॉनकेटिनेट कर दिया, प्लस कर दिया, है ना, राम और कृष्ण को जोड़ के उसने आउटपुट में दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज देते तो उनको प्लस कर देता, पर स्ट्रिंग को, वो स्ट्रिंग को तो सिर्फ जोड़ेगा, टेन टेन दिया तो 20 आना चाहिए हमारा, है ना, प्लस, तो 20 आया, पर मैंने स्ट्रिंग किया तो स्ट्रिंग को दोनों को उसने कॉन्केटिनेट करके दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल्स के बारे में। अगर हम बात करें ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं, हम पाइथन में इस तरीके से फंक्शंस डिफाइन करते हैं, हम पाइथन में फंक्शंस डिफाइन करते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, लोकल एंड ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल एंड ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल हम फंक्शन के इनसाइड डिफाइन करते हैं, हम इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते हैं पाइथन में, फंक्शन, इसके अंदर मैं इक्वल्स टू 5 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, और इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट 4, प्रिंट 1, ये मेरा वेरिएबल हो गया। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, फंक्शन, फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब मैं यहाँ पे कोई वी इक्वल्स टू 5 5 4 दे देता हूँ, 4 या 5 5 दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ बी को, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन के बाहर जो डिफाइन हुआ है हमारा, वो है ग्लोबल वेरिएबल, और जो फंक्शन के अंदर है वो है लोकल वेरिएबल। तो जो लोकल वेरिएबल का है, आप उसको फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ग्लोबल को आप कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको रन करते हैं, 4 5, ठीक है, प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे बाहर प्रिंट करना चाहूँ एक को फंक्शन से अलग से प्रिंट करना चाहूँ तो नहीं होगा, नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइन है, लोकल जो ए है वो फंक्शन के अंदर डिफाइन है, आप उसको फंक्शन के बाहर कॉल नहीं कर सकते, इसीलिए वो ए है वो है लोकल वेरिएबल, और जो बी है वो आपका है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। आप इसको फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकते हो ग्लोबल वेरिएबल को, पर लोकल वेरिएबल को आप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। अब डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स पे हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई है। तो ये था आपका ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। अगर आप यहाँ पे कोई और डिफाइन करते हो, कोई और फंक्शन डिफाइन करते हो सम के नाम से, सम के नाम से आपने फंक्शन डिफाइन किया, तो आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से, 4 प्लस v। तो आपने जो वी वेरिएबल है वो बाहर डिफाइन कर रखा है, पर आप उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप इसके अंदर कोई और वेरिएबल यूज़ कर लो, जैसे आप यहाँ पे ए को ए ही दे दो, 4 ले लो, 5 ले लो, आप यहाँ पे ए यूज़ करो, ए यूज़ किया आपने, तो आपको ये रिजल्ट देगा 5 प्लस 5, 10 रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आप जो ग्लोबल वेरिएबल है आप दूसरा फंक्शन डिफाइन करके उसमें भी यूज़ कर सकते हो, ग्लोबल वेरिएबल को आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पर लोकल वेरिएबल को सिर्फ जिस फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन किया उसी के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा वेरिएबल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।